दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने आपको हमारे चैनल द्वारा पहले भी बताया था, एक बड़ी पड़ताल एक बड़ी खबर के रूप में आपको दिखाया भी था कि खरगोन में नॉट फॉर सेल की दवाइयों की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। हमने लिखित, मौखिक और फ़ोन द्वारा कई बार जिले के आला अधिकारियों को सूचित किया, नाम बताए और उनके गोडाउन का पता तक बताया था जहाँ पर नॉट फॉर सेल का भारी मात्रा में माल रखा था। पर इस पूरे मामले में ड्रग इंस्पेक्टर कपिल नागर की उदासीनता कहें या मिलीभगत के चलते अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई थी। वहीं हाल ही में शहर की दो नामचीन मेडिकल स्टोर्स पर हुई नॉट फॉर सेल की दवाइयों की बिक्री को लेकर जो कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही ने हमारी खबर पर सच्चाई की मोहर लगा दी। खरगोन में नॉट फॉर सेल की दवाइयों से मेडिकल संचालक और दवाई कंपनी के एमआर मिलीभगत कर कमाई कर रहे हैं। नॉट फॉर सेल की दवाई मरीजों के परिजनों को बेचकर मेडिकल संचालक केवल अपनी जेब भर रहे हैं। दवाई कंपनी के एमआर अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट डॉक्टर्स को दवाई के सैंपल के रूप में न देकर मेडिकल संचालकों को कम कीमतों में बेचकर अपनी ही कंपनी से धोखाधड़ी कर अपनी ड्यूटी से बचने की कवायद भी कर रहे हैं। इन सब में बड़ी बात तो यह है कि इस तरह के कृत्य से मरीजों की जान से भी खिलवाड़ हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर हो रही इस कालाबाजारी में शहर के रसूखदारों के वृद्धस्त माने जाने वाले मेडिकल संचालक केस केमिस्ट के कचरू महाजन और कृष्णा मेडिकल के संचालक ही हैं, जो न केवल अपने मेडिकल से नॉट फॉर सेल की दवाइयाँ बेचते हैं बल्कि इनकी आड़ में शहर के कई मेडिकल संचालक नॉट फॉर सेल की दवाइयों को बेचने की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। इस मामले का खुलासा कुछ दिन पहले हमारे चैनल ने पूरे स्ट्रिंग और सबूत के साथ किया था। यहाँ तक कि इस मामले में जब हमने CMHO डॉक्टर रमेश नीमा को अवगत कराया और जांच की बात कही तो उन्होंने पहले तो बात करने से मना किया और बाद में पल्ला झाड़ते हुए गेंद ड्रग इंस्पेक्टर कपिल नागर के पाले में डाल दी थी। अब सामने आए नए मामले की बात करें तो बिष्टान के ग्रामीण दिनेश पाटिल ने अपने बीमार बेटे रौनक को सुंदरम पॉली क्लिनिक में डॉक्टर अशोक महाजन को दिखाया और प्रतीक मेडिकल से दवाई खरीदी। चौंकाने वाली बात तो यह रही कि इस ग्रामीण को मेडिकल संचालक ने नॉट फॉर सेल की दवाई दे दी जो मरीज को रिएक्शन कर गई और बाद में मरीज के द्वारा मांगे जाने पर मेडिकल संचालक ने उसे GST का बिल भी दे दिया। और जब हमारे रिपोर्टर अजय तिवारी ने जब इस मामले में जानना चाहा तो उन्होंने यह बहाना बनाया कि कर्मचारी द्वारा गलती से नॉट फॉर सेल की दवाई दे दी थी। सर, आपके यहाँ जाँच करने ड्रग इंस्पेक्टर आए थे, क्या मामला है? एक्सपायरी डेट की दवाई यहाँ से दी गई, बिल भी दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि चार एक दिन और सैंपल मिले आपके यहाँ? वो तो तीनों तो वही मेरे मतलब मेरे गुड़िया के जैसे उल्टी की और उसकी एंटीबायोटिक। क्या सुनना आपको? ग्रामीण ने जब SDM अभिषेक गहलोत को शिकायत की तब SDM ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ कार्यवाही करते हुए नॉट फॉर सेल की दवाइयाँ जब्त की। इसी के साथ शहर के ही कृष्णा मेडिकल पर भी कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में नॉट फॉर सेल की दवाइयों को जब्त किया है। सर, ये क्या मामला है? ग्रामीण शिकायत करने आए थे मेडिकल के नॉट फॉर सेल की दवाई देगी। ये एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक शिकायत की है कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था और उसके बाद डॉक्टर के पर्चे के आधार पर जो दवाई खरीदी है उसमें से एक जो है एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन है वो इनको नॉट फॉर सेल वाली मिल गई है और जो इनको बिल दिया गया है वो नॉट फॉर सेल वाली नहीं है बल्कि दूसरी दवाई के संबंध में है। तो इसके लिए हमने ड्रग इंस्पेक्टर को बुलवाया है, उनसे पूरी इस मामले का परीक्षण करवाएंगे मौके के अनुसार और बिल के अनुसार, और उसके बाद अगर कोई फॉल्टी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, इससे में GST का भी नुकसान हो रहा है, दूसरी दवाई लिखी हुई है। आप पहले तो प्राथमिकता ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर से करवाएं, अगर उसमें इस बात की पुष्टि होती है तो फिर अन्य जो भी अगर कोई फॉल्ट निकलता है तो उसकी भी जांच करवाएंगे। सर, शहर में ऐसे कई जगह ऐसी नॉट फॉर सेल की दवाइयाँ बिक रही, आज तक कभी ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जानकारी होने के बावजूद भी नहीं कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर के जो रूटीन सैंपल होते हैं वो तो वे लोग करते ही हैं, इसके अलावा कहीं से कोई शिकायत प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हम भी उसमें कार्रवाई करवाएंगे। ओके सर, किस तरह की शिकायत प्राप्त हुई और आप यहाँ की प्रतीक मेडिकल पर आए हैं और एक्सपायरी डेट की दवाई का मामला है, लेकिन आपको शिकायत हुई? SDM साहब को शिकायत हुई थी विजिन सैंपल नॉट फॉर सेल की दवाइयाँ जो है प्रतीक मेडिकल्स की जो है उनके द्वारा दी गई है पेशेंट को,
और जो है इसी कार्यक्रम में SDM साहब के निर्देशानुसार जो है आज पटिक मेडिकोज का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जो है कुछ 3-4 पीस जो है सिविलियन सैंपल दवाइयों के मिले हैं और पूरा निरीक्षण नोट बनाया गया है और इसके बाद आगे जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या इस तरीके से सैंपल की दवाइयाँ भेज सकते हैं क्या मेडिकल से, उसका बिल भी दिया गया है? मेडिकल स्टोर से सैंपल की दवाइयाँ तो बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं, ये फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है, डॉक्टरों के लिए होती है, वहाँ डॉक्टरों को सप्लाई करते हैं और इस तरह की दवाइयाँ नहीं भेजना चाहिए मेडिकल स्टोर। उन्होंने दवाई भी भेजी उसका बिल दिया है, बिल में नॉट फॉर सेल की दवाई की एंट्री नहीं है, तो फिर दूसरी जो एंट्री करेगी वो दवाई कहाँ जाएगी? वो बिल में तो दर्शा रहे हैं उस दवाई का मैंने जो है इनसे सेल परचेस रिकॉर्ड इससे पहले भी मामले आए थे SW24 ने, इससे पहले भी मामला एक उठाया था गैस केमिस्ट्री पे जो जिस तरीके की दवाई का, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई उस पर मैंने इंस्पेक्शन किया है, इंस्पेक्शन मुझे नॉट फॉर सेल की दवाइयाँ तो नहीं मिली हैं। पर हमने तो चैनल पर आपको अवगत कराया था, बाकायदा आपसे बात भी करी थी, सैंपल भी बताया था कि नॉट फॉर सेल भी है, एक्सपायरी डेट भी है। जब निरीक्षण करने गया था उसके अंदर, और अगर बीच में और ऐसी शिकायत मिलेगी तो अपन आगामी जो है बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अपन निरीक्षण करने कब कब जाते हैं? निरीक्षण करने रूटीन इंस्पेक्शन होते हैं और शिकायत बेस पर भी निरीक्षण होते हैं। आम आदमी जब शिकायत करता है जब भी समझ में आती है, बाकी ऐसी तो कभी आज तक कोई पकड़ नहीं आया। ऐसी आम आदमी को भी जागरूक होना चाहिए और अगर इस टाइप की कोई चीज़ें मेडिकल स्टोर पर हो रही है तो इनको खाद्य मुक्ति प्रशासन में कार्रवाई करना, खाद्य मुक्ति प्रशासन में शिकायत करना चाहिए। सर शहर में और भी मेडिकलों पर जाँच होगी? और भी मेडिकलों पर बिगड़ जाएगी, और भी मेडिकल पर है तो आप मुझे नॉलेज में लाइए, मैं बिल्कुल उन पर कार्रवाई करूँगा या SDM साहब के साथ मिलकर कार्रवाई करूँगा। क्या सुना कपिल नारायण? एक चौंकाने वाली बात तो यह है कि कुछ दिन पहले ही इसी कृष्णा मेडिकल पर ड्रग इंस्पेक्टर कपिल नागर ने जांच के दौरान नॉट फॉर सेल की दवाइयां जब्त की थी, जिसका जवाब मेडिकल स्टोर से मांगा गया था। अभी मेडिकल स्टोर का जवाब आया भी नहीं था और दोबारा फिर उसी मेडिकल पर बड़ी मात्रा में नॉट फॉर सेल की दवाइयाँ जब्त की गई है। अभी जवाब आया भी नहीं था और दोबारा से बड़ी मात्रा में नॉट फॉर सेल की दवाइयाँ पाए जाना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि इस कालाबाजारी में मेडिकल संचालकों के साथ कोई बड़ा रसूखदार या इनका कोई आका और ही है इस पूरे मामले का, जो मास्टरमाइंड भी है। अच्छा, इस मामले में जब ड्रग इंस्पेक्टर से हमने फ़ोन पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ऐसा नियम है कि मेडिकल स्टोरों को अपनी बात रखने का यानी जवाब देने का मौका मिलता है, उनके जवाब के बाद ही कोई भी मेडिकल स्टोर पर लाइसेंस निरस्तीकरण या निलंबन की कार्यवाही की जाती है। यहाँ SDM अभिषेक गहलोत ने ग्रामीण की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने की बात मीडिया से कही थी और तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्यवाही भी की, तो ड्रग इंस्पेक्टर ने इसे औचक निरीक्षण बताया है। अब ड्रग इंस्पेक्टर कपिल नागर के बयान से आप साफ समझ सकते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर कपिल नागर किस तरह शिकायत पर हुई कार्यवाही को औचक निरीक्षण का रूप देकर SDM की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये राशि का कैलकुलेशन तो अभी नहीं हो पाया है, वो तो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं, कुछ BP की दवाइयाँ हैं, कुछ शुगर की हैं, कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट की दवाइयाँ हैं, अलग अलग दवाइयाँ हैं, तो उसका कैलकुलेशन तो अलग से फिर होगा। सर हम देखें तो जो शहर की बात कर रहे हैं, जिले भर की बात कर रहे हैं, तो कई मेडिकल ऐसे हैं जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं, कई बार शिकायत में कभी कार्रवाई नहीं, आज अचानक कार्रवाई क्या हो जाए? नहीं, आज भी एक शिकायत हुई थी जिसके तारतम्य में एक जगह पर शिकायत हुई है, मतलब जो है कार्रवाई की थी और दूसरी मेडिकल पर आज कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी इससे शिकायतें तो हुई है लेकिन हमने देखा है कि कार्रवाई नहीं हुई। कोशिश तो करते हैं कि हर जगह कार्रवाई करते हैं, खुलासे होने की भी संभावना थी, ऐसी दुकानों पर कार्रवाई नहीं हुई आज यहाँ पे। नहीं, आज भी शिकायत हुई है, कार्रवाई हुई है, इसके अलावा जो कि ड्रग इंस्पेक्टर लगातार कार्रवाई होगी, कार्रवाई लगातार ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, औचक निरीक्षण होते हैं, आज SDM साहब ने भी जो है और भी मेडिकल पे जो है औचक निरीक्षण करवाए हैं, SDM साहब भी मेरे साथ में है और उसी तारतम्य में कृष्णा मेडिकोज है, यहाँ पे भी निरीक्षण के लिए इनकी भी पूर्व में शिकायतें आई थी, तो इसके लिए औचक निरीक्षण के लिए यहाँ पे SDM के साथ में आए हैं। इसके पहले भी कई तरह की शिकायतें, हम बात कर रहे हैं कि नियम विरुद्ध जो मेडिकल चल रहे हैं उनकी भी, नॉट फॉर सेल दवाई को भी लेकर भी शिकायतें थी, ऐसी कई शिकायतें ही मेडिकल को लेकर, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई, कभी विभाग जागा नहीं, आज अचानक कार्रवाई इसके पीछे क्या? नहीं, इसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ औचक निरीक्षण था और औचक निरीक्षण में यही है कि जो है समय समय पर औचक निरीक्षण होते रहेंगे तो इन लोगों को भी जो है अवेयरनेस आती रहेगी। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी, कभी निरीक्षण नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, औचक निरीक्षण भी होगा, शिकायत पर कार्रवाई भी होगी। कई दुकानों पर सर किराए के लाइसेंसों पर भी दुकानें संचालित हो रही है, उसको लेकर कब कार्रवाई होगी? उसको लेकर जो है SDM साहब से बात करके, SDM साहब के साथ में बिल्कुल उन दुकानों का भी निरीक्षण करके उस पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी मैं करूँगा। अब हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर कपिल नागर कैसे अपने पद का दुरुपयोग कर
मेडिकल संचालकों के साथ मिलीभगत कर न केवल नॉट फॉर सेल की दवाइयों की कालाबाजारी में शामिल है बल्कि नियम विरुद्ध मेडिकल संचालित करवाकर काली कमाई भी कर रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के भागीदार भी बन रहे हैं। तो यह थी हमारी आज की पड़ताल, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।